नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं जीशान जावेद आपके साथ। भगवान हुए स्वस्थ, निकले अपने भक्त जनों को दर्शन देने। शहर में रात्रि विश्राम करेंगे मानस भवन में। भगवान स्वस्थ हुए, चले देने दर्शन अपने भक्त जनों को। जी हाँ, शाम 4 बजे से शुरू रथ यात्रा में भगवान ने पूरे शहर वासियों को दर्शन दिए। यह रथ यात्रा रीवा में 150 सालों से निकाली जा रही है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के महास्नान के बाद भगवान बीमार होते हैं, इसीलिए भगवान गर्भगृह से बाहर आते हैं और 15 दिन उन्हें औषधि दी जाती है। अभी तक औषधि दी जा रही थी और अब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। किले की परंपरा के अनुसार राजाधिराज लक्ष्मण बाग पहुंचे और वहां से रथ यात्रा किले की ओर रवाना हुई, जहां महाराज के पूजन अर्चन के बाद आगे की रवानगी हुई। मानस भवन में मानस मंडल द्वारा रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई, जहां प्रसाद वितरण और भजन कीर्तन भी हुआ। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को फिर भगवान रथारूढ़ होकर अपने धाम के लिए रवाना होंगे। कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, अमहिया मार्ग, गुड़ चौराहा और हॉस्पिटल चौराहा होते हुए लक्ष्मण बाग पहुंचकर रथ यात्रा का समापन होगा। आइए एक नज़र डालते हैं रथ यात्रा से जुड़े कुछ तथ्यों पर। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। पुरी में यह यात्रा प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से निकाली जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को आम के अलावा जामुन बहुत ही प्रिय है और इसीलिए भगवान को जामुन का भोग चढ़ाया जाता है। इस रथ यात्रा पर भगवान भाई बलराम और बहन सुभद्रा के संग निकलते हैं। पंडित जी, बाबा, ये आज जी क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ से? ये 17 दिन में भगवान का शोभा यात्रा निकलता है। लक्ष्मण बाग से निकल करके हनुमान जी में पूजा पाठ होता है। पूजा पाठ हो करके भगवान यहाँ से रवाना होते जाते मोहल्ला में पूजा होगा, जाते जाते भगवान किला जाएंगे। किला में पूजा होते हुए आपके कोट रोते हुए जाकर के आपके सहर घूमते हुए सभी शेर महाजन की पूजा करेंगे। इसके बाद वो जाकर के वहाँ मानस भवन में ठहरेंगे और दूसरे दिन हुए 4 बजे पुनः वहाँ से रवाना होंगे। आया करके हम उनके भगवान 8-10 बजे रात पहुँचेंगे। फिर कल 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 10 बजे ये क्या कुछ दिन बीमार रहते हैं, क्या कैसे निकलते हैं? बीमार भगवान होते उनको बताते हैं, लू लग जाती है, उनके लाने वैद्य आते हैं। यहाँ पर वैद्य आपके भूषण पंसारी के लड़का आए थे, उनको दवाई भगवान को दिए, वो स्वास्थ्य ठीक हुआ। आज भगवान 17वां दिन स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक हो गए। उनका रथ भगवान का आज रवाना हुआ, शोभा यात्रा निकल पड़ी। श्री जगन्नाथ स्वामी, श्री शंकर बलदाऊ जी और माता सुभद्रा जी के सहित तीनों जन भ्रमण करने जा रहे हैं अपने शोभा यात्रा निकल के शहर में। ये कितने सालों से ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया? परंपरा कितने सालों से? ये परंपरा तो आज 5 पुस्त हो गया। प्रभुराज सिंह के जमाने से आपके वेंकट रमन, गुलाब सिंह, मार्तन सिंह और ये पुष्पराज सिंह, ये 85 के करीब से चालू। हाँ, ये बहुत दिन से 100-150 वर्ष से चालू हुआ।